वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नूहमपैथी एंड हेयर समृद्धि शर्मा इज़ हेयर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में मैं आपसे मर्क सॉल एक मेडिसिन है जो कि वंडरफुल मेडिसिन है अगर आप दांतों के दर्द के लिए देखो फॉर द टूथ हैक, अगर आप देखो कि साइनोसाइटिस है नेजल डिस्चार्ज है उसके लिए वंडरफुल मेडिसिन है, फॉर द बोन पेन्स उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्किन कंप्लेंट्स उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, और अल्सर्स छाले जो हो जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो आपसे मैं डिस्कस करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है कि और स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या हैं जो सिर्फ मर्क सॉल के हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मर्क सॉल जो है उसका मियाज़म जो है सिफिलिटिक मियाज़म है, ठीक है। सो सिफिलिटिक मियाज़म मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, उसमें मैंने बताया है कि बोन पेन्स होते हैं, नाइट एग्रवेशन होता है और टूथेक होगा, ठीक है, और सरदर्द जो है वो भी एक स्पेसिफिक एरिया में होगा। तो उन सब बातों को ध्यान में रख के आप इस वीडियो को सुनिएगा, और अगर किसी ने मियाज़म नहीं पढ़ रखे हैं तो जाकर मियाज़म पढ़ लेना इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि आप क्या है कि मेडिसिन को रिलेट कर पाओ मियाज़म से, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक लाइन आप लिखी हुई देख रहे हैं, प्रोफ्यूज परस्पायरेशन, ओके। सो दिस प्रोफ्यूज परस्पायरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द मर्क सॉल, ठीक है। मर्क सॉल में बहुत पसीने आते हैं। अब पसीने आ रहे हैं वो ठीक बात है, लेकिन बदबूदार पसीने आते हैं क्योंकि इसके जो डिस्चार्ज हैं वो ऑफेंसिव हैं, ठीक है। प्रोफ्यूज परस्पायरेशन इज़ प्रेजेंट बट डज नॉट रिलीव मे इंक्रीज सफरिंग। बहुत पसीने आते हैं मर्क सॉल के मरीज़ को, लेकिन उससे क्या है उसकी जो दिक्कत है वो कम नहीं होती है, सॉल्व नहीं होती है, उसकी दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है। जितने ज़्यादा पसीने आएंगे उस मरीज़ की दिक्कत और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है थर्स्ट। जो मर्क सॉल की थर्स्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि इसकी थर्स्ट कैसी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटेंस थर्स्ट ऑल द टंग इज़ मॉइस्ट एंड सलाइवा इज़ प्रोफ्यूज। अब हमको ये बात पता होती है कि प्यास कब लगती है, जब सूख जाता है, गला सूख जाता है, मुँह सूख जाता है, तब प्यास लगती है। लेकिन मर्क सॉल की क्वालिटी ये है कि मुंह गीला है उसके बावजूद भी जो है वो प्यास लग रही है। दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग कि मर्क सॉल में क्या हो रहा है, अगर ड्राइनेस है तो आप मर्क सॉल मत सोचिए, बिकॉज द ड्राइनेस कॉन्ट्रा इंडिकेट्स मर्क सॉल। जैसे कि हम कैमोमिला में देखते हैं अगर इरिटेबिलिटी नहीं है तो कैमोमिला दवाई नहीं है, वैसे अगर मॉइस्टनेस नहीं है तो मर्क सॉल दवाई नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड द डिस्चार्जेज ऑफेंसिव, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑफेंसिवनेस ऑफ द डिस्चार्जेज आर द की नोट ऑफ द मर्क सॉल। बट आप मियाज़म में अगर जाके देखो सिफिलिटिक मियाज़म में तो डिस्चार्ज जो है वो ऑफेंसिव ही होते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, ओके। अब ये छालों की बहुत अच्छी दवाई है फॉर द अल्सर्स। अब अल्सर्स जो हैं हम देखें कहीं भी हो सकते हैं, मुँह में देखें अगर ओरल कैविटी में तो आप देखोगे गम्स में हो गए, ठीक है। अगर छाले आप देखो तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे जो जीभ है उस पे हो गए, अगर पैलेट पे हो गए, मतलब ओरल कैविटी में कहीं भी अल्सर्स हो गए, छाले हो गए। बट उसके साथ होना क्या चाहिए कि बहुत ज़्यादा सलाइवा होना चाहिए, प्रोफ्यूज सलाइवेशन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है जो ओरल कैविटी है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द अल्सर्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, ओके। उसके बाद हम देखते हैं ये बहुत अच्छी दवाई है जुकाम की, जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर ही कर देते हैं एक तरीके से, क्योंकि हमारे दिमाग में एलियम सीपा, यूफ्रेजिया, डलका, इनसे हम आगे बढ़े ही नहीं। और ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी दवाइयाँ पढ़ो तो आप अपने हिसाब से पढ़ो, किसी के हिसाब से मत पढ़ो कि उसने ये कहा है कि ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं हर दवाई में आपको बताती हूँ कि ये इसके लिए भी है, आप जुकाम के लिए एलियम सीपा, यूफ्रेजिया, इनसे आगे बढ़ो प्लीज़, ओके। यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा कैटाल कंडीशन हो रखी है, मतलब कैटाल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज जो है, ओके। सो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है हम यहाँ पर देखें, और बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही है, बहुत जुखाम लगी हुई है मरीज़ को, और जो डिस्चार्ज है वो फ्लुएंट है, मतलब बहुत
नाक बह रही है, एक्रिड डिस्चार्ज या छिला छिला महसूस होगा, नॉस्ट्रल्स आर रॉ एंड अल्सरेटेड, जो नाक है उसमें अंदर जो है वो दर्द हो रहा होगा, अल्सर्स हो रहे होंगे, एंड नेजल बोन्स आर स्वेलिन। तो आप यहाँ पे ये बात नोट करिए कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि किस दवाई से रिजेंबल करती है। तो जब भी आपके ऐसा कोई मरीज़ सामने आया तो मक्सोल भी आपके दिमाग में आए, जैसे कि प्रोफ्यूज एक्रिड डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज़, वी रिमेंबर ओनली एलियम सीपा, बट एक्रिड डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज़ आर द मेनी मेडिसिन। जब आप मटेरिया मेडिका को बहुत ध्यान से पढ़ोगे ना तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आपके दिमाग में आनी चाहिए। इसीलिए क्या होता है कि वे फेल टू क्योर द पेशेंट, या फिर हम कह सकते हैं हम जुकाम रिलीफ नहीं दिला पाते और मरीज़ को जो है वो दूसरी दवाइयाँ लेनी ही पड़ती है। सिट्राजिन ले लेगा वो, क्योंकि उसको तो एकदम से आराम चाहिए। आपकी दवाई इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि मरीज़ को लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, जुकाम खांसी ये दो ऐसी चीज़ें हैं, इन पे आप बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए हो, परफेक्शनिस्ट होने चाहिए हो आप इनके। तो यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हो, फ्लूएंट एक्रिड डिस्चार्ज नॉस्टल्स रॉ एंड अल्सरेटेड, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अब एग्रावेशन जो है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिफिलिटिक मेयाज़म जो है उसका एग्रावेशन नाइट को होता है। तो हम देखें जो मक्सोल है उसका एग्रावेशन भी नाइट को है, बट द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज़ द डैम्प वेदर। ठीक है, डैम्प वेदर में हमारे दिमाग में आती है डलका मारा आ गई, रस्टॉक्स आ गई, डैम्पनेस है, नेट्रम सल्फ आ गई, एंटियम टार्ट आ गई। जहाँ जहाँ डैम्पनेस होती है हमारे दिमाग में डैम्पनेस वाली मेडिसिन आ जाती है, मक्सोल दिमाग में आती ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि डैम्प वेदर में भी इसको एग्रवेशन है। जैसे ही थोड़ी सी बारिश वारिश हुई, डैम्पनेस हुई, वैसे ही इसको छींके स्टार्ट हो जाएगी। कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी जुकाम लग जाती है, और सर्दी या गर्म से कुछ नहीं है। बिकॉज हम देखें इसके एग्रवेशन मक्सोल को उठा के, तो सर्दियों में भी इसको दिक्कत है, गर्मियों में दिक्कत है। इट इज़ अ ह्यूमन थर्मोमीटर, मतलब एक्सट्रीम्स ऑफ एनी थिंग कॉजेज कंप्लेंट्स, ये आप नोट करिएगा। तो अब डैम्पनेस हुई और इसको जुकाम लग गई, ठीक है, एक्रिडनेस है, नेजल बोन स्वेल है, अल्सरेटेड है, अंदर चिला चिला महसूस हो रहा है, तो आप मक्सोल पे ध्यान दीजिए। नाउ टूथेक इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि दांत का दर्द का मरीज़ जो है वो आता ही आता है, और उसमें हमें क्या करना होता है, दांत का दर्द ठीक करना होता है। तो हमें पता तो होना चाहिए किन किन दवाइयों में दांत का दर्द है। तो आप इन सब चीज़ों की लिस्ट बना लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो आगे जाके। अब यहाँ पे हम टूथेक देखें, दैट इज़ अ पल्सेटिंग, चटके चल रहे हैं, टीयरिंग, लेंसिनेटिंग, लेसरेटिंग, मतलब जो है चुभने वाला दर्द हो रहा है, ठीक है, फटने वाला दर्द हो रहा है, चपके चल रहे हैं, कान तक दर्द जा रहा है, मुंह में जो फेस है उसमें पेन आ रहा है, डैम्पनेस से एग्रवेशन है, इवनिंग से एग्रवेशन है, वॉर्म्थ ऑफ ब्रेड से एग्रवेशन है। कई लोग होते हैं जो बेड पर जाते हैं वैसे ही उनको जुकाम लग जाती है, दैट इज़ अ मक्सोल टेंडेंसी, सिफिलिटिक टेंडेंसी। जहाँ पे नाइट एग्रवेशन हो गया वहाँ पे सिफिलिटिक टेंडेंसी हो गई, एंड आपको मियाज़म क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कंपेयर करते हुए चलना है, मियाज़म को कंपेयर करो आप दवाइयों से, ताकि आपको दवाई भी याद रहे और मियाज़म भी याद रहे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कोल्ड वार्म थिंग दोनों से इसको एग्रवेशन है, और आराम सिर्फ जो है गाल रब करने से मिलेगा, चीक्स रब करने से मिलेगा, तो दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। अब आप आ जाते हो कि टीथ डिके कहाँ से हो रहा है, क्योंकि दांत में दर्द हो रहा है तो कहीं ना कहीं टीथ में कुछ तकलीफ होगी जिसकी वजह से पेन हो रहा है। तो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, क्राउन्स ऑफ टूथ डिके, ठीक है, ये मैं आपको, मैंने जो है आपको सारी बता रखी है कि किस में कौन सा पार्ट डिके होता है। आप मिजेरियम मेडिसिन जाकर देखिए, मिजेरियम मेडिसिन में आपको मैंने सारी चीज़ें बता रखी है कि किस दवाई में कौन सा पार्ट डिके होता है, ठीक है, जिसकी वजह से दर्द होगा। तो यहाँ पे आप देखो क्राउन डिके होंगे, रूट साउंड है, तो उसमें मैंने आपको सारा जो है बता रखा है, पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब आप जीभ देखोगे जब मक्सोल के मरीज़ की, तो उसमें क्या होगा, फ्लेबीनेस होगी। तो कभी कभी हमें मोटी जीभ जो मिलती है वो मक्सोल की तरफ इंडिकेट करती है, और आप ये देखोगे कि उसमें टीथ इम्प्रिंट होंगे। तो टीथ इम्प्रिंट जब होते हैं तो हमारे दिमाग में रस्टॉक्स आती है, नेट्रम्योर आती है, बट मक्सोल भी आनी चाहिए। मेरा मकसद ये है आपको बताने का कि आपको किस तरीके से दवाइयाँ पढ़नी है।
क्योंकि किताबों में लिखी हुई है बहुत अच्छी बात है, बट किताबों में से आपको मैटर निकालना है तो किस तरीके से निकालना है, बस मेरा मकसद यही है कि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, अब आप जीप पर देखोगे तो छाले भी हो सकते हैं, छाले ये ज़रूरी नहीं है कि रेड होंगे, दे कैन बी वाइट, और ये ज़रूरी नहीं है वाइट ही होंगे, दे कैन बी रेड। ओके, अब आप देखिए कि जैसे बेलडोना है, बेलडोना इज़ वंडरफुल मेडिसिन फॉर दी वंडरफुल मेडिसिन फॉर द थ्रोट कंप्लेंट। ठीक है, बट मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं है, आप खुद सेल्फ एनालाइज कीजिए। अब फाइटोलक्का बहुत अच्छी दवाई है फॉर द थ्रोट कंप्लेंट एंड आई हैव एक्सपीरियंसड इट्स मच बेटर देन द बेलडोना। ठीक है, तीसरी दवाई मैं आपको आज बताती हूँ, दैट इज़ द मक्सोल, मतलब मम्स हो, डिप्थीरिया हो, टॉन्सिलाइटिस हो, जिसमें मरीज़ जो है बार बार निगलता रहता है, थूक निगलता रहता है ना, उसमें बहुत अच्छा काम करती है मक्सोल। तो आपके पास ये बिल्कुल क्लियर परसेप्शन होना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि आपको कौन सी दवाई देनी है। नाउ इट्स अ गुड मेडिसिन फॉर द डिसेंट्री। अब डिसेंट्री जहाँ वर्ड आ गया, आपको पता चल गया ब्लड होगा स्टूल में। ठीक है, सो द ब्लडी डिस्चार्जेस आर द की नोट ऑफ द मक्सोल, मोर द ब्लड मोर द मक्सोल इंडिकेटेड, जितना ज़्यादा ब्लड होगा उतना ही मक्सोल इंडिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब हम डिसेंट्री की बात कर रहे हैं तो स्टूल जो है, कई लोग होते हैं जिनको चिकनी पॉटी आने लग जाती है, स्लाइमी स्टूल हो जाता है, ठीक है, ब्लड होता है उसके साथ और पेट में दर्द होता है, जो पेट में दर्द जो है वो पहले भी होता है और स्टूल जाके आने के बाद भी होता है, उसमें आराम नहीं मिलता स्टूल जाने से। ठीक है, उसके बाद ठंड लगने लग जाती है एंड देयर इज कैन नॉट फिनिश सेंसेशन, सो कैन नॉट फिनिश सेंसेशन इज प्रेजेंट इन द नक्सोमिका एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन दी मक्सोल। सो कैन नॉट फिनिश सेंसेशन इज प्रेजेंट इन द नक्सोमिका एज वेल एज इन द मक्सोल। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रीड द मेडिसिन वेरी फाइनली। ओके, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी कफ। बहुत सारे लोग हैं जो खांसी के आते हैं जिनको दो बार ही खांसी आती है, एक टाइम पर दो बार ही, दो पैरोक्सियम में। ठीक है, फॉर द टू पैरोक्सियम इफ द कफ इज प्रेजेंट इज अ मक्सोल। तो कितने पैरोक्सियम में किसको खांसी आ रही है, फॉर द स्टेनम मेट इट इज़ इन 3 पैरोक्सियम। तो हमको ये पैरोक्सियम भी पता होने चाहिए कि कितनी बार मरीज़ खांस रहा है। तो ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए और ये मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आपको पढ़ना है मियाज़म तो आप जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ पर आपको मियाज़म मिल जाएंगे। और आपको अगर मेडिसिंस पढ़नी है, मिज़ेरियम और मेडोरिनम सुराइनम, तो आपको जो है आई बटन पे चाहिए, वहाँ पे आपको जो ये मेडिसिंस हैं वो मिल जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट, और अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नो होम्योपैथी।